Hello student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 6 of MSc, The Joy of Giving. So let's start. He is among the most famous author of horror fiction of all time. यह जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही डरावने उपन्यास लिखने वाले प्रसिद्ध लेखकों में से एक रहे हैं. Most of his novels have been adapted into films or television series. बहुत सारे उनके जो नॉवेल्स हैं उनमें से कई नॉवेल्स को टेलीविज़न सीरीज और मूवी बनाने के लिए सिलेक्ट भी करा गया. हैविंग अर्न फेम एंड फॉर्च्यून स्टीफन किंग हैड दिस टू से अबाउट वेल्थ एंड गिविंग आफ्टर ही सफर्ड एन एक्सीडेंट दैट नियरली कॉस्ट हिम हिज लाइफ. बहुत सारा मनी दौलत और शोहरत पाने के बाद में स्टीफन किंग ने बहुत सारी दौलत और शोहरत पाई. स्टीफन किंग ने एक एक्सीडेंट के बाद में जिसमें लगभग उनके जीवन ख़त्म होने वाला था ऐसे एक्सीडेंट के बाद में उन्होंने वेल्थ एंड गिविंग के बारे में बहुत कुछ कहा. एक कपल्स ईयर्स एगो बहुत सालों पहले आई फाउंड आउट व्हाट यू कांट टेक इट विथ यू मीन्स आई फाउंड आउट While I was lying in a ditch at the side of country road, covered with mud and blood, and with the tibia of my right leg poking out the side of my jeans like a branch of a tree taken down in a thunderstorm. I had a MasterCard in my wallet, but when you are lying in a ditch with broken glass in your hair, no one accept MasterCard. कुछ साल पहले मुझे पता चला कि हम जो हैं वो अपने साथ मनी को नहीं ले जा सकते हैं. जब मैं एक देश में सड़क के किनारे खाई पे पड़ा था और पूरी तरह से कीचड़ यानी कि मड से और ब्लड से लथपथ पड़ा हुआ था और मेरा जो राइट लेग है उसकी टीबिया जो होती है घुटने के पास में जो हमारी बोन होती है उसको टीबिया बोलते हैं, वो ऐसे मेरे जीन से बाहर दिख रहा था जैसे कि कोई ट्री की ब्रांच जो है वो बिजली चमकने के कारण टूटकर बाहर नीचे गिर गई हो. मेरी जेब में मास्टर कार्ड था लेकिन जब हम खाई में एक टूटे चश्मे के साथ अपने बालों के ऊपर लगाए हुए टूटे चश्मे के साथ पड़े हों तो कोई भी उस मास्टर कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ऑल द मनी यू अर्न ऑल द स्टॉक यू बाय ऑल द म्यूचुअल फंड यू ट्रेड ऑल ऑफ दैट इज मोस्टली स्मोक एंड मिरर्स. जितना भी पैसा आपने कमाया है जितना भी स्टॉक्स आपने खरीदा है जितने भी फंड आपने बनाए हैं वो सब एक धुएं की तरह है, एक छाया की तरह है जो गायब हो जाता है. मतलब ये सब हमेशा नहीं रहता है. इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ क्वार्टर पास गेटिंग लेट वादर यू टेल टाइम ऑन अ टाइमिक्स और अ रोलेक्स. जब हम किसी से टाइम पूछते हैं चाहे वो टाइम टाइमेक्स की घड़ी में देख के बताया जाए या रोलेक्स की घड़ी में बताया जाए या किसी और बड़ी कंपनी की या महंगी वॉच के जरिए बताया जाए, टाइम वही रहता है जो एक नॉर्मल सी घड़ी में रहता है, वही टाइम इन घड़ी में भी रहता है. नो मैटर हाउ लार्ज योर बैंक अकाउंट नो मैटर हाउ मैनी क्रेडिट कार्ड यू हैव सूनर और लेटर थिंग्स विल बिगन टू गो रॉन्ग विद द ओनली थ्री थिंग्स यू हैव दैट You can really call your own, your body, your spirit and your mind. इनका कहना था कि यह मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना बैंक अकाउंट है, मीन्स आपके पास कितना पैसा है. यह मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, ठीक है, क्योंकि चाहे देर से चाहे जल्दी यह सब जो चीज़ें हैं वो चली जाती हैं, ठीक है. और केवल तीन ही ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम वास्तव में अपना कह सकते हैं और वो तीन चीज़ें हैं हमारी बॉडी, हमारी स्पिरिट मींस हमारी आत्मा एंड आर माइंड मींस हमारा जो दिमाग है, मींस ये सब जो चीज़ें हैं हमारी शरीर आत्मा हमारा मन व दिमाग वही हमारा असलियत में साथ देते हैं. So I want you to consider making your life one long gift to others and why not? All you have is on loan. Anyway, all that lasts is what you pass on. इसलिए मैं चाहता हूँ इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी अपने जीवन को
दूसरों के लिए उपहार की तरह यूज़ करें, मीन्स दूसरों की हेल्प करने में लगाएं, क्योंकि मायने यही रखता है कि आपने दूसरों को दिया क्या है। वी हैव द पावर टू हेल्प, द पावर टू चेंज। हम लोगों के पास एक शक्ति होती है हेल्प करने की और चेंज करने की, मतलब बदलाव लाने की। एंड वाई शुड वी रिफ्यूज, और हम इस चीज़ से मना भी क्यों करें? बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक इट विद अस, कि क्योंकि इसे हम अपने साथ में ले जाएंगे? नो प्लीज़, क्योंकि हम पैसा साथ में तो ले जा नहीं सकते। प्लीज़, गिविंग इज़ अ वे ऑफ टेकिंग द फोकस ऑफ द मनी वी मेक एंड पुटिंग इट बैक वेयर इट बिलोंग्स। देना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम जो मनी है, जो हमने कमाया है, वो हम वापस से वहाँ दें जहाँ से ये आता है। ओके, ऑन द लाइव्स वी लीड, द फैमिलीज वी रेज, द कम्युनिटीज दैट नर्चर अस, उन सभी को हम लौटाएं जो जिनसे हमारी लाइफ प्रभावित होती है, जिनसे हमारी हम आगे बढ़ते हैं, हमारी फैमिली आगे बढ़ती है, हमारी कम्युनिटीज़ को दें। ठीक है, उन सभी को हम ये चीज़ वापस लौटाएं जिनसे हमारा पोषण होता है। ए लाइफ ऑफ गिविंग नॉट जस्ट मनी बट टाइम एंड स्पिरिट रिपेज। लाइफ ऑफ गिविंग जो है, केवल पैसा देना ही नहीं है, पैसा देना ही एक हेल्प नहीं होती है, बल्कि हमारी टाइम और स्पिरिट भी, मतलब अपना समय और अपनी अच्छी भावना भी देना ही जीवन है। ये हमें वापस लौट के भी मिलता है। इट हेल्प अस रिमेंबर दैट वी मे बी गोइंग आउट ब्रोक, बट राइट नाउ वी आर डूइंग ओके, राइट नाउ वी हैव द पावर टू डू ग्रेट गुड फॉर अदर्स एंड फॉर एसर। कई बार ऐसा वक्त भी आता है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने में यह फील होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, अब जो है, राइट नाउ वी हैव द पावर, अभी हमारे पास पावर है कुछ अच्छा करने की, दूसरों के लिए एंड अपने खुद के लिए। अराउंड द वर्ल्ड देयर आर पीपल हु लव टू ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस टू दोज हु हैव लेस। पूरी दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो उन लोगों के जीवन में आशा और खुशी लाते हैं जिनके जीवन में आशा और खुशी कम होती है। दे हैव प्रूव्ड दैट इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू हैव। ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम होता है लेकिन फिर भी वो दूसरों को खुशी देते हैं गिव करके, तो ऐसे ही लोगों ने ये प्रूव करा है कि यह मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना है। ऑलमोस्ट ऑलवेज You can find someone who has less. These people believe that happiness does not come from wealth and luxury. Their motto in life is happiness shared is happiness multiplied. अच्छा, हमेशा हमें क्या है, दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो लोगों के जीवन में आशा और खुशी लाते हैं, जिनके जीवन में आशा और खुशी कम होती है वो भी दूसरों को खुशी बांटते हैं। और ऐसे ही लोगों ने ये साबित करा है कि यह मायने नहीं रखता है कि आपके पास खर्च करने के लिए क्या है और कितना है, ठीक है, बल्कि ये लोग हमेशा देने को तैयार रहते हैं चाहे इनके पास कम ही क्यों ना हो। ऐसे लोग ही इस बात पर विश्वास करते हैं कि सच्ची खुशी जो है वो पैसों से या सुविधाओं से प्राप्त नहीं होती है। उनकी ऐसे लोगों की लाइफ का मोटो ही होता है कि दूसरों के साथ शेयर की गई जो खुशी है वो डबल होकर उनके पास वापस रिटर्न होती है। बिजनेसमैन मनोज मिनट डिसाइडेड टू स्पेंड लेस 1.5 करोड़ ऑन हिज डॉटर श्रेया वेडिंग। एक बिजनेसमैन जिनका नेम है मनोज मिनट, उन्होंने ये डिसाइड करा था कि वो अपनी बेटी जिनका नाम श्रेया था, वो उनकी मैरिज पर 1.5 करोड़ रुपीज़ खर्च करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ एलिवेशन डेकोरेशन, लैविश फूड and entertainment now common features at wealthy Indian wedding. लेकिन जो महंगे से महंगा डेकोरेशन है, जो महंगे से महंगे कई तरह के जो खाना बनाया जाता है, entertainment के जो साधन हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि
एक रिचेस्ट वेडिंग में करी जाती है, वेल्दी इंडियन वेडिंग में खर्च करे जाते हैं जिन चीज़ों पे पैसे। ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज डॉटर वेडिंग विद द यूनिक स्टेट। वो इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो अपनी डॉटर की वेडिंग को एक यूनिक तरीके से बनाएंगे, मतलब सेलिब्रेट करेंगे। ही बिल्ट ब्रिक एंड सीमेंट होम्स इन औरंगाबाद फॉर 90 पुअर फैमिलीज। उन्होंने क्या करा उसके अवज में, उन्होंने सीमेंट और ये चीज़ें, मतलब एक पक्की हाउस बना के दिए औरंगाबाद में 90 पुअर फैमिलीज को। द हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शन, और इन हाउस में पूरी तरह से बिजली की अच्छे से प्रोवाइड करवाई गई थी और वाटर कनेक्शन भी करवाया गया था, विच मैनी ऑफ न्यू रेजिडेंट हैव नेवर एंजॉयड अर्लियर। और इनमें से कुछ ऐसे पुअर फैमिलीज थी जिन्होंने कभी इस तरह की सुविधाओं को अपने घर में पाया नहीं था। द न्यू ओनर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट पेइंग रेंट। अब जो जिनको ये मकान मिले थे उनको रेंट देने के लिए, मतलब किराया देने के लिए उन पर फोर्स नहीं पड़ेगा। इफ़ ईच फैमिली हैज़ एवरेज ऑफ 4 पीपल, यदि एक फैमिली के अंदर 4 लोग भी होते हैं, तो ऑन वेडिंग इन द मिनट फैमिली चेंज द लिव्स ऑफ ऑलमोस्ट 400 प्योर पीपल फॉर द बेटर। तो इस वेडिंग के कारण जो ये काम करवाया गया था, पुअर पीपल को मकान दिए गए थे, उन्होंने कम से कम 400 पुअर पीपल की लाइफ को अच्छा बना दिया था, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था। श्रेया एंड हर फादर बिलीव दे हैव अ ड्यूटी टू हेल्प पीपल हु आर नॉट सो फॉर्चून एज दे आर। श्रेया और उनके फादर का यह विश्वास था, उनका यह मानना था कि यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी ड्यूटी है कि उन लोगों की हम हेल्प करें जो हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है, मीन्स जिनके पास हमारे जितना पैसा नहीं है। फॉर श्रेया द जॉय ऑफ द पुअर फैमिली हु वर गिवन द गिफ्ट ऑफ लाइफ टाइम वॉज द बेस्ट वेडिंग प्रेजेंट शी कुड हैव रिसीव्ड। श्रेया को अपनी वेडिंग पर गिफ्ट क्या मिला था, उसको उन लोगों की खुशी मिली थी, उन पुअर फैमिलीज की खुशी मिली थी जो लाइफ टाइम उनके साथ में रहने वाली थी। इंडियन बिजनेस टाइकॉन एंड चेयरमैन ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज अजीम प्रेमजी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन। इंडियन बिजनेस मैन टाइकॉन एंड चेयरमैन ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजी अजीम प्रेमजी जो थे, वो एक रिचेस्ट इंडियंस में माने जाते रहे हैं। हिज बिलीफ इन गिविंग बैक टू सोसाइटी लेड हिम टू सेटअप द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इन 2001। उनका ये मानना था कि जो भी हमने कमाया है वो सोसाइटी को वापस से दिया जाए, और इसी रीजन से उन्होंने एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इन 2001 में सेट करा। दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड प्रमोटिंग एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया इन 2013। इन्होंने एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करा, प्रमोट किया इसके लिए, जो कि ऑल ओवर इंडिया में थी। इन 2013 प्रेम जी गेव अवे 25% ऑफ हिज पर्सनल वेल्थ टू चैरिटी एंड हैज सिंस इंक्रीज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। और 2013 में प्रेम जी ने 25% जो अपना पर्सनल वेल्थ था, अपना पर्सनल मनी थी, वो भी चैरिटी को दी, और उसके बाद से कंटिन्यूसली इनका जो कंट्रीब्यूशन है चैरिटी के लिए वो बढ़ता ही जा रहा है। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू साइन अप फॉर द गिविंग प्लेज, ए कंपेनिंग लेड बाय वॉरेन बुफेट एंड बिल गेट। वॉरेन बुफेट और बिल गेट्स के जरिए जो चलाया गया था अभियान, उसमें वो पहले व्यक्ति बने जिसमें उन्होंने प्लेज दी थी। दिस प्लेज एंकरेज बिलियनियर्स टू गिव अवे लार्ज पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ टू फिलैंथ्रोपिक काउजेस। इट्स नॉट वंडर दैट प्रेमजी हैज बीन रैंक्ड सेवरल टाइम्स एज द मोस्ट जेनरियस इंडियन। अच्छा, बिजनेसमैन प्रेमजी क्या कहा कि इस रीजन के, इस जो ये जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया था, इसके कारण हजारों अरबों लोग जो थे वो इस चीज के लिए प्रेरित हुए, इस चीज के लिए प्रेरित हुए कि वो आगे भी, मतलब सॉरी, इस अभियान से कई अरब पतियों को
उनकी धन का जो उनकी जो मनी का एक बड़ा हिस्सा था वो परोपकार में लगाने के लिए प्रेरित करा, मतलब कई लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करा कि वो भी अपने पैसे को इस तरह की चैरिटी में डालें। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि प्रेम जी को कई बार सबसे उदार इंडियन की रैंक में शामिल करा गया है। बट डू यू हैव टू वेल्दी बिजनेसमैन टू हेल्प अदर्स, लेकिन क्या आप इन वेल्दी बिजनेसमैनों में से हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं? यू नीड नॉट टू बी अ ग्रोन अप आइदर, ऑल यू नीड इज़ अ बिग हार्ट। यह मायने नहीं रखता है, मीन्स आपको इसके लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए केवल आपका दिल बड़ा होना ज़रूरी है। मतलब देने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए या बहुत बड़े व्यक्ति होने चाहिए, बल्कि देने के लिए यह होना चाहिए कि आपका जो दिल है देने के लिए वो बड़ा कितना है। अमेरिकन ब्रिटेनी रिक्विस्ट वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वॉज स्टार्टेड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विथ हर ब्रदर रोबी 11। एक अमेरिकन ब्रिटेनी रिक्विस्ट था जो कि केवल 13 ईयर्स के थे जब उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा था अपने भाई के साथ में, जिनका नाम रॉबी था और जो केवल 11 ईयर्स के थे। द यंगस्टर वॉन्टेड टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टू सोल्जर्स ऑन ड्यूटी ओवरसीज। ये जो यंगस्टर थे वो चाहते थे कि जो सोल्जर्स ड्यूटी दे रहे हैं बॉर्डर्स वगैरह पर, वो उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे। दे पुट इन एस 21 स्टार्टेड सेलफोन्स फॉर सोल्जर्स, उन्होंने सेलफोन्स लिए सोल्जर्स के लिए। देयर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट ओल्ड सेलफोन्स एंड गिव दैम टू सोल्जर्स विद प्रीपेड कॉल्स। उन्होंने कई पुराने जो सेलफोन थे वो कलेक्ट करे और उसमें प्रीपेड कॉल्स डलवाई और सोल्जर्स को गिफ्ट करे। देयर चैरिटी हैज़ डोनेटेड ओवर 300 मिलियन प्रीपेड कॉलिंग मिनट्स कनेक्टिंग दोज हु प्रोटेक्ट अस, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे टेक इन ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स फोन इवन दोज दैट आर क्रैक्ड और ब्रोकन। उन्होंने सारे ऑल सॉर्ट सेल्स फोन को कलेक्ट करा लिया और यहाँ तक कि जो क्रैक थे और जो ब्रोक थे मतलब टूट गए थे उनको भी कलेक्ट करा। दे ब्रदर सिस्टर ड्यू हैव आल्सो क्रिएटेड एन एमरजेंसी फंड टू हेल्प सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, तो ये जो ब्रदर सिस्टर थे इन्होंने एक एमरजेंसी फंड भी क्रिएट करा जो कि सोल्जर्स और उनकी फैमिली को हेल्प करता। एज फॉर एज गिविंग इज कंसर्न दे से इट इज द थॉट दैट काउंट्स। जहाँ तक देने की बात है वे कहते हैं कि हमारी सोच की बात है जो हमारे लिए मायने रखती है। महात्मा गांधी आल्सो हैड दिस बिलीफ वंस गांधी वॉज कलेक्टिंग फंड्स फॉर द चरखासन। महात्मा गांधी भी इसी बात पर विश्वास करते थे। एक वक्त जब गांधी जी अपने चरखा संघ के लिए फंड कलेक्ट कर रहे थे, ही वेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी विलेज टू विलेज, और जब वो सिटी सिटी मतलब शहर शहर और गांव गांव जा रहे थे और लोगों को बोल रहे थे डोनेट करने के लिए। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड अ स्पीच टू क्राउड ऑफ पीपल इन ओडिशा, ए पुअर ओल्ड वूमैन इन अ वॉर्न आउट साड़ी केम अप टू हिम। जब वो ओडिशा में बड़ी भीड़ के अंदर स्पीच दे रहे थे तो तभी भीड़ में से एक वृद्ध महिला मतलब बूढ़ी औरत जो थी वो वहाँ आई, जिसकी साड़ी जो थी वो फटी हुई थी, दो बैंड विथ एज, और एज होने काफ़ी एज होने के कारण वो थोड़ी झुकी हुई भी थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू मीट गांधी जी, वो गांधी जी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। शी फॉट हर वे थ्रू द क्राउड इवन एज द वॉलंटियर्स ट्राई टू स्टॉप हर। उसने उस भीड़ को चीरने की बहुत कोशिश करी, उस भीड़ को हटाते हुए बहुत काफ़ी लड़ी वो, और जो वॉलेंटियर्स उसको रोक रहे थे आगे बढ़ने के लिए उनसे भी वो काफ़ी लड़ी। फाइनली शी मेड हर वे टू द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज सेटिंग ऑन टच हिज वेस्ट। फ्रॉम द फोल्ड ऑफ हर साड़ी शी टुक आउट समथिंग, ए कॉपर कॉइन। शी प्लेस्ड इट एट द फिट ऑफ द गांधी जी, हु पिक्ड इट अप एंड पुट इट अवे केयरफुली। फाइनली वह जो औरत थी वृद्ध महिला थी वो गांधी जी के उस जगह पर पहुंच गई जहाँ पर वो बैठे हुए थे। उन्होंने उनके पैरों को छुआ, मीन्स गांधी जी के पैरों को टच करा और अपनी साड़ी में जो फोल्ड करा हुआ
कॉइन रखा हुआ था उसने वो कॉइन बाहर निकाला और उनके पैरों के पास में रख दिया, जिसे गांधी जी ने उठाया और बहुत संभाल कर अपने पास में रख लिया। गांधी जी फ्रेंड जमन लाल बजाज वॉज इन चार्ज ऑफ फंड। गांधी जी के एक फ्रेंड जिनका नाम जमन लाल बजाज था, जो कि वो फंड्स को चार्ज इन्होंने संभाल रखा था, ही आस्क गांधी जी टू गिव हिम द कॉइन, बट गांधी जी रिफ्यूज। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो कॉइन उसको दे उनको दे दें, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। जमन लाल बजाज जो थे वो हंसे, आई कीप चेक्स वर्थ 1000 रुपीज़ फॉर द चरखा संघ। उन्होंने क्या कहा कि मैं 1000 रुपये के चेक रखता हूँ चरखा संघ के, येट यू वॉन्ट ट्रस्ट मी विथ अ कॉपर कॉइन, फिर भी तुम एक कॉपर कॉइन के लिए मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन दोज 1000, गांधी जी सैड। तब क्या कहा गांधी जी ने, कहा कि ये जो कॉपर कॉइन है उन 1000 रुपये से बहुत ज़्यादा कीमती है। इफ अ मैन हैज सेवरल लैक एंड ही गिव अवे 1000 or 2, इट डजेंट मीन मच। यदि किसी व्यक्ति के पास लाखों करोड़ रुपए हैं और उसमें से वो 1000 या कुछ हिस्सा उसमें से दे देता है, तो इसका मतलब यह है कुछ ज़्यादा देना नहीं होता है। बट दिस कॉइन वॉज परहैप्स ऑल दैट द पुअर वुमेन पॉजेस, लेकिन यह कॉइन जो था वो उस पुअर महिला का, मीन्स उस गरीब महिला का सब कुछ था। शी गेव मी ऑल शी हैड, उसने वह सब कुछ दे दिया जो उसके पास में था। दैट वॉज वेरी जेनरस ऑफ हर, ये उसकी उदारता का प्रतीक है। वॉट अ ग्रेट सेक्रीफाइस शी मेड, उन्होंने एक सेक्रीफाइस की मिसाल पेश करी है। दैट इज़ वाई आई वैल्यू द कॉपर कॉइन मोर देन अ करोड़ ऑफ रुपीज, इसलिए मैं करोड़ों रुपए से ज़्यादा इस कॉपर कॉइन को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ओके तो ये चैप्टर नंबर जो है आपका कंप्लीट हो गया है, अच्छे से रीड करिए, मैं करिए। थैंक यू।